नमस्कार, वक्त हमारा है, मैं आपका स्वागत है। आजकल के बच्चे, खासकर किशोर बच्चे, बेवजह जिद्दी हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं। आखिर इतना बदलाव क्यों देखा जा रहा है? क्यों आखिर बच्चे इस दिशा में जा रहे हैं? क्या कुछ खामियां अभिभावकों की तरफ से भी हैं? कमी कहाँ रह जाती है? इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गार्की दुग्गल, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ग्लैडरेक्स मिसेज इंडिया की पार्टिसिपेंट भी है इस बार, और बेटा है गार्गी 14 जी साल का। जी हमारे साथ मनोवैज्ञानिक राशि शारदा हैं और साथ ही डॉक्टर मनिंदर हुंडल, पीडियाट्रिशियन हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो गार्गी, 14 साल का बेटा हो रहा है, जिद्दें करता है कि जैसे एक इस उम्र तक आकर मैं देख रही हूँ कि बच्चे फोन चाहिए या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अगर नहीं माना तो उनकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है किसी जी ना किसी तरीके से। खाने में भी या तो वो तंग करेंगे या कहीं जाना हो उसके लिए अलग जिद, बहुत सारी डिमांड्स हैं। बिल्कुल अगर आप नहीं पूरी करते तो उसे मनवाने के हथकंडे भी वो अपनाते हैं, जी तो कहीं ना कहीं, और नहीं पूरे करते आप तो वो ज्यादा आक्रामक, चिड़चिड़े और जिद्दी होते जाते हैं। बिल्कुल झेल रही हैं? कुछ हद तक हाँ। सबसे पहले कि मेरा बेटा अब टीनेजर हो रहा है, इस साल जुलाई में वो 14 साल का हो जाएगा। मेन चीज़ जो प्रॉब्लम मुझे साल 1.5 साल में फेस करी है, जो मैंने मुझे मुश्किल सामने आई है, वो यही है कि एक तो उसके हार्मोनल चेंजेस हैं। बच्चे को पता नहीं है वो किस चीज़ों से गुजर रहा गुजर रहा है। है, बिल्कुल। फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं। इस दौरान मुझे लगता है कि उसको मुझे टाइम और देना पड़ता है, उसे समझाना, उसके काउंसलिंग, उसके साथ एक दोस्ताना रिलेशनशिप, सिर्फ एक माँ का और वो गुस्से वाली स्ट्रिक्ट माँ का ना होके एक फ्रेंड का रिलेशनशिप बनाना मेरे को ज़्यादा महसूस हो रहा है। हाँ, वो बात बात पे कई बार जिद भी करता है, कई बातों में अनरीजनेबल जिद होती है, हाँ, और ये ज्यादा तंग करती ये ज़्यादा हैं, तंग करती है खासकर माओं को। जी, क्योंकि पिता का तो एक रौब का और एक डर का रिश्ता होता है बच्चों के साथ, तो वो बच्चे बच्चे पिता के सामने उतनी जिद जिद नहीं नहीं करते करते। हैं, माँ को तो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि माँ है मान और भी जाएगी मान भी जाएंगी और हम और मना लाड लेंगे कर किसी ना लेंगे किसी या तरीके जिद से। करके। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे बेटे में भी ये चेंजेस आ रहे हैं, पर उसको डील करने के लिए मैंने बहुत तरीके अपनाए। अच्छा, काम काम किए वो तरीके। जी, मैं एक चीज़ बताऊं, कोई भी चीज़ हर टाइम हर समय काम नहीं करती। माँ को या टीचर्स को या आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों के साथ डील करने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। कभी उसे प्यार से समझाया, प्यार से नहीं समझा तो काउंसिल किया, उसको बताया, बेटा आपकी ये जिद नाजायज़ है, इसके ये फायदे हैं और ये नुकसान है। अच्छा, समझ जाता है। टचवुड, मेरा बेटा इस मामले में मुझे लगता हाँ, है काफ़ी शायद वो जो समझदार है। रिलेशन आपने उसके साथ रखा ना, जी क्योंकि गार्गी एक ये भी है कि यू आर अ होम मेकर, आप जी घर पे हो, वक्त भी दे पाते हो, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं, मुझे लगता है वहाँ दिक्कत ज़्यादा आती है राजश्री, क्योंकि वो जो क्वालिटी टाइम की बात कही है गार्गी ने भी, वो नहीं दे पाती है। उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बच्चे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, अच्छा आप तो मम्मा है नहीं, या तो उनको फ़ोन पे बोल के उनसे काम करा लो कि मुझे ये चाहिए, हो जाएगा। और मदर्स भी कहीं ना कहीं शायद उन्हें गिल्ट फील हो रहा होता है कि वो बच्चे के साथ नहीं है तो जो बच्चा कह रहा है वो मान जाओ, मान जाओ, उस वजह से भी शायद ये जिद्दी हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं। बस बच्चों में डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है बिल्कुल। और क्योंकि पेरेंट्स, मदर्स एंड फादर्स हु आर वर्किंग, तो मदर्स फील गिल्टी क्योंकि मैं समय नहीं दे रही, तो बच्चे की जो भी मैं किसी रूप में उसको खुश कर सकूं, पर मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है। हर पेरेंट ये सोचता है कि अगर बच्चा कोई भाग कर रो कर मेरे पास तकलीफ के लिए आ रहा है, दे वॉन्ट टू फिक्स द प्रॉब्लम। द चाइल्ड डजेंट वॉन्ट द पेरेंट्स टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑलवेज, उसको पता है मुझे क्या करना है, ही जस्ट वॉन्ट्स दैट यू हैव, आपके पास समय है मुझे मेरी कहानी सुनिए। सुनने का। और पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे बच्चा अपनी कहानी बताता है उसने शुरू ही कर रही है, एंड द फादर और द मदर स्टार्ट इंटरजेक्टिंग और दे स्टार्ट गिविंग सोल्यूशंस। सोल्यूशन, दे डू नॉट वॉन्ट सोल्यूशंस ऑलवेज, दे वॉन्ट लिसनर्स, अच्छा, इमोशनल लिसनर्स। हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज अबाउट लिसनिंग, नॉट अबाउट फिक्सिंग अ प्रॉब्लम, बिकॉज उस उम्र में इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होता बच्चों को। दे वॉन्ट डिस्कशन विद द पेरेंट, देयर यानी कि पॉइंट ऑफ यहाँ व्यू। पे गलती जो है वो माता पिता की तरफ से फॉर है, वो टाइम श्योर, नहीं दे फॉर रहे, वो श्योर, सुन ही नहीं रहे कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। और ये हर रोज होना चाहिए, बिल्कुल, हर हर रोज होना रोज, हर चाहिए। दिन, कुछ वक्त,
क्वालिटी टाइम जरूर आपको अपने बच्चे के लिए निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जिद, उसका चिड़चिड़ापन झेलना पड़ेगा। वो तो झेलना ही पड़ेगा, नहीं तो यही बच्चा किसी और दोस्त के साथ बातें करने लगेगा, शेयर करने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। फिर यही पेरेंट्स बोलते हैं कि जब 12 साल का था बहुत अच्छा लड़का था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी कंपनी अच्छी नहीं है। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि हाउ हैज द थर्ड पार्टी कम एंड टेकन अवे योर चाइल्ड, बिकॉज यू वर एब्सेंट। अगर बच्चा यही काम में फ्लाउंडर कर रहा है तो फिर वो धीरे धीरे इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ही इज लाइकली टू फ्लाउंडर, आगे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर मनिंदर, क्या किशोरावस्था में ये जो जिद्दीपन बढ़ गया है, चिड़चिड़े ज्यादा, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले के बच्चे तो कभी सुना था कि कभी अभिभावक या माँ बाप शिकायत कर रहे हो कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, पलट कर जवाब देते हैं, या फिर हमें ब्लैकमेल करते हैं कि हमें ये नहीं लेके दिया तो मैं ये करूंगा, या हम ये लेके आप दोगे तो मैं ये कर लूंगा, है ना, इस तरह से। पहले तो ऐसे नहीं था, नहीं। क्या इसका किशोरावस्था की उम्र से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे भी कुछ लेना देना है? एब्सोल्युटली, इट्स ऑल लिंक्ड टू द हार्मोन्स। ये बेसिकली एडोलोसेंस जो पीरियड है, इट इज द ट्रांजिशन, अ चेंज फ्रॉम अ चाइल्ड टू अ एडल्ट। एक बच्चे से बड़े का सफर जो है, दैट इज एडोलोसेंस, एंड इट्स क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड। 10 साल से लेकर ऑलमोस्ट 19 तक हम मानते हैं, एंड वी डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। द इनिशियल पार्ट इज टेकन एज से 10 साल से लेके 13 साल तक का बच्चा। इसमें प्रीडोमिनेंटली फिजिकल चेंजेस आते हैं, एंड इट स्टार्ट्स विद हार्मोनल चेंजेस, ऑफ कोर्स लड़का और लड़की दोनों इन बोथ ऑफ देम। गर्ल्स में थोड़ा सा जल्दी अर्ली ऑनसेट होता है एज कम्पेयर टू बॉयज, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ देम जो कि आपके जिद्दी, नो, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट कि पहला जो स्टेज होता है दैट इज योर फिजिकल चेंजेस एंड ऑल दैट। सो उससे ही बच्चे के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है, बिकॉज योर बॉडी इमेज स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टॉर्टेड, यू गेट टू सी सो मेनी चेंजेस इन योर सेल्फ, एज सिंपल एज बीइंग कि आपकी आवाज का ही भारीपन आना, यू स्टार्ट हैविंग हेयर एंड ऑल दैट। तो उससे भी बच्चे को किसी को कईयों को कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट स्टेज विच इज द मिड एडोलोसेंस, विच इज यूजुअली फ्रॉम 14 से लेके ऑलमोस्ट 16 साल के बच्चे, उसमें बच्चों में इमोशनल, मानसिक और सोशल चेंजेस आते हैं। अच्छा, सो देन द चेंज इन देयर थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स, एंड बच्चे में वो इंडिपेंडेंट स्ट्रीक आनी शुरू हो जाती है। सो स्लोली स्लोली द चाइल्ड फ्रॉम बींग अ टोटली डिपेंडेंट एंटिटी ऑन हिज पेरेंट्स, वो शिफ्ट होने लग जाता है टू एन इंडिपेंडेंट एडल्ट। तो ये एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है कि एज पेरेंट्स वी आर नॉट विलिंग टू लेट गो, बट द किड नाउ वांट्स टू एक्सप्लोर ऑन हिज ओन। बट द एक्सपोजर, द चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, द अवेयरनेस जो कुछ है, सो हम जो कहते हैं ना आजकल द एंड ऑफ इनोसेंस बहुत जल्दी हो गया, दिशा में जा रहा है इन अ वे, यस, बिकॉज उसकी क्या वजह है? इट इज द जस्ट, या मुझे नहीं लगता खराब दिशा में, उनको गाइडेंस चाहिए। अच्छा, जो मैम ने अभी बोला, किस तरह की गाइडेंस? मैं बताती हूँ, क्योंकि जो मैं सुना है मैंने डॉक्टर मनिंदर ने, मतलब 14 से 16 साल की गार्गी आपको तैयार होना पड़ेगा, 14 से 16 साल की वो सबसे नाजुक किशोरावस्था में आप उम्र देख सकते हैं। जो वो जो डॉक्टर मनिंदर ने कहा कि उस वक्त सबसे ज्यादा वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो बड़ी नाजुक अवस्था होगी। एक्सपेरिमेंटेशन विल हैपन इन दैट फेस। अब इस प्रॉब्लम, ये पावर स्ट्रगल इसमें कैसे हैंडल करें? देखिए, एज पेरेंट्स वी वांट टू टीच, ट्रेन एंड इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इन द राइट डायरेक्शन। नाउ व्हेन वी पेरेंट्स डू इट, द चाइल्ड टेक्स इट एज इंटरफेरेंस, पेरेंटल इंटरफेरेंस। जब बच्चा अपनी बात बताना चाहता है कि मैं ये काम अपने आप कर सकता हूँ, अगर मैं गिर भी जाऊंगा मैं उठ जाऊंगा, मिट्टी हटा दूंगा, मुझे ये काम करने दीजिए, पेरेंट्स टेक इट एज रिबेलियन। अभी से मनमानी कर रहा है, बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। ये किस तरह की कोई दिक्कत आ रही है, जैसे अच्छा मेरे फ्रेंड के पास तो ये चीज है, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, कभी इस तरह की जिद की? राजेंद्र, आई गेस ये प्रॉब्लम इस जनरेशन के ज्यादातर बच्चों में है। मैं इसीलिए इसको डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कई बार पेरेंट्स के लिए मुमकिन नहीं होता वो चीज लेकर देना। वहाँ वो उन्हें भी लगता है कि मेरा बच्चा मांग रहा है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ। और लेकिन होता ये कि अगर आप एक चीज लेके देंगे दूसरी चीज की डिमांड आ जाएगी, फिर तीसरी चीज की, फिर चौथी, इसका कोई अंत नहीं, अंत नहीं है। फिर उस वक्त समझाना भी दिक्कत होती है। मैं यहाँ पर डॉक्टर मनिंदर और डॉक्टर शारदा से काफी चीजों में अग्री करती हूँ, पर साथ ही मेरा एक अपना एक प्रस्पेक्टिव है। जो बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो गए, या ये जो इन्होंने बोला पावर सेंट्रिक होना, या अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाना, ये जनरेशन से चलता आ रहा है। ये हमारी जनरेशन में भी था, हमारे माँ बाप, हमारे दादे परदादों की भी जनरेशन में था। मेन चीज जो शायद इतना आक्रामक नहीं था, उसका एक मूल कारण जो है वो है हमारा सामाजिक ढांचा, हमारे एनवायरमेंट्स, बहुत ज्यादा मीडिया एक्सपोजर,
टाइम से पहले ही बच्चों को वो चीजें जानना जो कि उनका समय नहीं है जानना। फिर अब क्या करें, उसे तो हम रोक नहीं सकते। देखिए कुछ हद तक तो हम ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इंटरनेट हो गया, मीडिया एक्सपोजर हो गया, कुछ हद तक तो हम नहीं रोक सकते। अब आप सोचें कि आप बच्चे को उसी तरीके से कुक में मंडूक कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको अपने बच्चों के साथ जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो आपने अपने बच्चों को ये चीजें समझाना बहुत अहम होता है कि देखो बेटा, आप इन चीजों से गुजर रहे हो, आगे आने वाले कुछ सालों तक आपको ये प्रॉब्लम्स फेस होंगी। राजश्री, जो गार्गी कह रही है कि उसके लिए आपको अपने पहले बच्चे के साथ जो संबंध है वैसा होना चाहिए कि वो रोज आपके साथ वक्त बिता रहा हो। लेकिन मैं बार बार एक ही सब, जो कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी अगर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत कम वक्त है उनके पास और वो क्वालिटी टाइम निकालना पता नहीं उनके लिए कितना संभव है या नहीं, लेकिन निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना शायद इसका कोई इलाज नहीं है। आप एकदम से 13 साल या 14 साल में शिकायत लेकर पहुंचे कि बच्चा तो जी सुन नहीं रहा, अब मनमानी कर रहा है, जिद कर रहा है या चिड़चिड़ा या आक्रामक हो रहा है, तो उस वक्त तो कोई इलाज नहीं है, है ना? बिल्कुल। यू जस्ट वर्किंग मदर्स हैव टू बी विजिलेंट, इनफैक्ट हाइपर विजिलेंट, और सर्टन ड्रॉबैक्स तो आएंगे ही। इफ यू आर अ करियर वुमन, यू विल स्पेंड लेस टाइम विद द चाइल्ड, so you have to take it in your stride. How important is your job? If your job is very important, then there is something called parenting even through the telephone. I'm not saying that is an ideal way, but if agar aapke paas samay hi nahi hai to kam se kam aap bacche ke sath baat to kar sakte ho, ye to jaan sakte ho wo kahan hai, kya kar raha hai, usko aap yaad dila sakte ho ki tumne padhai shuru kari hai ki nahi, तुमको ये चैप्टर कंप्लीट करना, मैं जब आऊंगी मैं तुमसे पूछूंगी। ये माइलस्टोन्स देना जरूरी है। और घर आकर सबसे पहले जो वर्किंग मदर्स होती हैं वो थकी हुई होती हैं और बच्चे भागकर उनके पास जाते हैं एंड द मदर से उफ मैं अभी तो आई हूँ, 10 मिनट का मुझे आराम नहीं दे सकते। नाउ द मैसेज बच्चे को मिलता है कि 7 बजे से मैं निकला हुआ हूँ, 5 बज गए, 6 बजे, माय मदर इज स्पीकिंग लाइक दैट, फॉरगेट इट, मैं बात ही नहीं करता। दो चार बार उसने अगर ये जुमला सुन लिया तो वो 5 मिनट आएगा ही नहीं। और मैं हर मदर वर्किंग महिला को यही बोलती हूँ कि जो फर्स्ट 15 मिनट्स है आपके, दैट शुड बी गिवन कंप्लीटली टू योर चाइल्ड। आप थोड़ा सा और जब इतने 8, 8.5, 9 घंटे काम किया है तो कुछ वक्त, बिकॉज़ दैट इज योर प्रॉब्लम, यू आर डिसाइडिंग टू वर्क, योर चाइल्ड इज नॉट टेलिंग यू, तो फर्स्ट 15 मिनट निकालना। बिल्कुल, उसके बाद बच्चे को, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं वो अपने बच्चे के लिए, लेकिन अगर बच्चे को वो नहीं दे पाए उस जो बच्चा चाहता है, जो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चे को, अगर वो ही नहीं उसके साथ है तो शायद वो जो हम अर्न करके ला रहे हैं उसके भी मायने। साइकोलॉजिस्ट से वर्ल्ड वाइड ओवर द फर्स्ट 10 मिनट्स व्हेन द चाइल्ड गेट्स अप, द फर्स्ट 10 मिनट्स व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एंड द लास्ट 10 मिनट्स बिफोर ही गोज टू स्लीप आर द 3 इंपॉर्टेंट 30 मिनट्स इफ यू कैन गिव योर चाइल्ड कंप्लीटली। By and large, you're not likely to have much problems. Absolutely. यहाँ पर एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी। एक तो जब वर्किंग मदर्स आती हैं और वो ऐसे बोलती हैं, दूसरा वर्किंग मदर्स अपने घर के बाकी कामों में इतना उनकी तवज्जो होती है, वो ऑफिस से आते हुए पहले घर पे जाके ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी पति ने आना है, अभी सासू माँ को ये देखना है, अभी घर वालों को ये करना है, डिनर बनाना है। वो ये भूल जाती है कि तुम मटेरियल जो जॉब करना चाहती हो उससे ज्यादा तुम्हारा एक इमोशनल कनेक्शन है जो तुम अपने परिवार के साथ और स्पेशली अपने बच्चों के साथ तुम डिस्कनेक्ट कर रही हो। सिर्फ वो मटेरियल जो तुम्हारे काम है उनको अपने परिवार तक मुहैया करवाने के लिए, आपको अपने काम, वो कहते हैं ना, आपको चीजों से नहीं प्यार करना चाहिए, इंसानों से प्यार कीजिए जो वो चीजें प्रोवाइड करते हैं आपको। ये बहुत बढ़ गया है। नहीं, बट आई वुड से यू कैंट एक्चुअली जस्ट ब्लेम वर्किंग मदर्स। बेसिकली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज लाइक वी आर, आई थिंक वी आर वंडरफुल मदर्स एंड वी ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस, हम एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। व्हाट इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज इज द क्वालिटी ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड विद योर चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन स्पेंडिंग द क्वांटिटी ऑफ टाइम। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू बी अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड नो मैटर व्हाट एज। माँ को पता होना चाहिए कि क्वालिटी टाइम क्या है, वो बस बिल्कुल खत्म हो रहा है। डॉक्टर मनिंदर, आप इसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। या सो बेसिकली व्हाट आई वुड से, एडोलेसेंस इज एन एज, बच्चे और माँ बाप दोनों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल टाइम है। एज पेरेंट्स हमको रियलाइज करना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर उसका इतना बस नहीं है। सो बेसिकली हमें ज्यादा पेशेंस, हमें उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। तो जैसे कि कहते हैं कि यू शुड नेवर जस्ट बर्स्ट आउट
यू नो चुप रह लो, सुन लो, वॉट एवर. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उसका दोस्त बन के रहना है. अगर आप हर बार उसके किसी चीज बहुत चाहिए, सो यू हैव टू. सो बेसिकली व्हेन योर चाइल्ड बिकम्स एन एडोलेसेंट, आई थिंक यू हैव टू यू नो अपने आप को आपको थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू डोंट गिव योर चाइल्ड अ गुड हियरिंग, आपने उसको सुना ही नहीं. जब एडोलेसेंस में आ रहे होते हैं बच्चे, तो उस वक्त जो मदर है वो भी 40s में पहुंच रही होती है, उनकी अपनी प्रॉब्लम शुरू हो गई होती है. इट्स ऑल द हार्मोनल गेम एक्चुअली, मदर के भी और बच्चों के भी. उस वक्त फिर भी कितना मुश्किल है टू स्ट्राइक अ बैलेंस, बट आई एम श्योर वी कैन ऑल डू. क्योंकि वो खुद भी एक बदलाव से गुजर रही है, बच्चे बदलाव से गुजर रहे हैं, शायद इसीलिए क्लैश. वी एक्सपेक्ट देम दैट दे विल अंडरस्टैंड अस, नो दे आर चिल्ड्रन, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. पर अगर आप ये उनकी नीड नहीं समझोगे, तो फिर वो यही नीड किसी और के पास जाएंगे जो आपको पसंद नहीं होगा. फिर न्यू हैबिट्स आप बच्चों में देखोगे, जैसे वो बच्चा कर रहा है वैसे मैं भी अपनी माँ के साथ करूंगा. वो चीज हमको हर्ट. बट आई फील दैट एज अ वुमन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट यू हैव इन योर लाइफ इज एज अ मदर. जो आप अपने बच्चे के लिए फील करते हो, आई डोंट थिंक यू फील इन एनी अदर रिलेशनशिप, बिकॉज यू आर द केयर गिवर. यू गिव एवरीथिंग, यू विल गिव योरसेल्फ टू द बस. सो बेसिकली यू जस्ट याद दिला दे, एब्सोल्युटली. सो डोंट लूज दैट फोकस, एंड आई एम श्योर वो हम सबके अंदर है. वी हैव आवर गुड डेज एंड बैड डेज, बट सबसे जरूरी है पर माँ को एक माँ का दायरा रखना भी बहुत जरूरी है. जहां बच्चे अपनी मर्यादा क्रॉस कर लेते हैं तो वहां रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाती है. और उसी से, और दूसरा, माँ बाप का सिर्फ माँ का ही रोल नहीं, पिता का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है कि जब वो घर आते हैं, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, अपने बच्चों के साथ वो वक्त बिताना, उनके साथ एक अपना कनेक्शन बनाना और बच्चों को समझने की चेष्टा पिता की तरफ से भी उतनी ही होनी चाहिए. बहुत थोड़ी कुछ बातें हमें पता भी, पेरेंट्स को पता भी होती है, लेकिन वो शायद इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, वक्त नहीं इस पर. राजेंद्र जी, जिसको कहते हैं ना बच्चों को भाषण नहीं चाहिए, जाया करना, बच्चों को भाषण नहीं चाहिए. नीड टू साउंड ईयर टू लिसनिंग, गुड हियर. पेरेंट्स हम लोग भाषण देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं बताएंगे बच्चे लिसनर चाहते हैं. हाँ, बच्चे को पता कैसे चलेगा, वो गलतियां करेगा. जो गलतियां मैंने करी है वो मेरा बच्चा ना दोहरा रहा है. पर शायद एंग्शियस पेरेंट्स, हाँ, आपको 5 मिनट पहले आपको सुनना पड़ेगा, फिर शायद आप 30 सेकंड बोल सकते हैं. एक बहुत अच्छा जो एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी मदरहुड में किया है अपने बच्चों के साथ, वो है हमारी संस्कृति और कल्चर से बच्चों को कनेक्ट करने का. बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. मैंने देखा है, मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, पर उनको समझाने का तरीका भी हर टाइम बदलती हूँ. वो कैसे कि कई बारी तो मैं उनको बोलती हूँ बेटा ये सही है, ये गलत है, आपने ऐसे करना. कई बारी मुझे उनको समझाने के लिए लोक कथाएं, उनका सहारा लेना पड़ता है. इसके लिए भी मदर्स को वक्त निकालना पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग, घर के सब बड़ों को, पिता को भी. ये शायद ये सब भूल रहे हैं, पीछे कहीं छोड़ रहे हैं. जहाँ अगर अपने आपने रूट्स और अपने ट्रेडिशन से नाता तोड़ा, बच्चे वहाँ पर भटकेंगे, जड़ों से भी हम दूर हो रहे हैं. शुक्रिया, जोड़ना बहुत जरूरी. वक्त खत्म हो रहा है. शुक्रिया आप सभी इस चर्चा में जुड़े. मुझे लगता है बहुत सी अहम चीजें निकल कर आई हैं जो शायद पेरेंट्स, अभिभावक भूल रहे थे कहीं, वो चीजें आप लोगों ने याद दिलाई हैं. तो बच्चों से उम्मीद मत रखिए कि वो सुनेंगे कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें तसल्ली से बैठकर कुछ वक्त सुने, उसके बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं. अदरवाइज तो उनकी जिद, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता आगे भी ये जारी रहेगी अगर आपने उन्हें क्वालिटी वक्त नहीं दिया. बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ वक्त गुजारना और उन्हें तसल्ली से सुनना, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके. और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि कहीं देर ना हो जाए. नमस्कार. माँ को या टीचर्स को या आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों के साथ डील करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ती. They do not want solutions always. They want listeners. अच्छा. Emotional listeners. Half of the problem is about listening. Their point of view. यहाँ पे गलती जो है वो माता पिता की तरफ से है. वो टाइम नहीं दे रहे, वो सुन ही नहीं रहे कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है. बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है बिकॉज योर बॉडी में स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टॉर्टेड. यू गेट टू सी सो मेनी चेंजेस इन योर सेल्फ. एज सिंपल एज बीइंग कि आपकी आवाज का ही भारीपन आना, यू स्टार्ट हैविंग हेयर एंड ऑल दैट. तो उससे भी बच्चे को, किसी को, कहीं को कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है.